जब तक हम खुद अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, हमारे लिए कोई बंदा आके कोई काम नहीं करेगा। ये जो हमारा युवास का प्रोजेक्ट था, इसका बेसिक मकसद ये था कि ये जो बच्चे हमारे हैं जो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, जिन तक फूड नहीं पहुंच रही, इनको हम फूड देके और उनकी हेल्थ मॉनिटर करके हम देखें कि हम इन बच्चों को अगर इनको अच्छा फूड देते हैं, अच्छी चीज़ देते हैं, खुराक देते हैं, तो ये कल को हमारे लिए एक एसेट बने, ना कि हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाएं कि वो उनकी ग्रोथ सही ना हो। क्योंकि जब तक हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड नहीं होगा, आप परफॉर्म नहीं कर सकते। हमारा ये जो शोकेस करने का मकसद है ये सारी चीज़ों को, कि हम जनरल पब्लिक को अट्रैक्ट करें। ना सिर्फ इससे हमारे जनरल पब्लिक को पूरी अवेयरनेस हासिल होगी, बल्कि उनको हमारे प्रोसीजर्स का, हमारी प्रोडक्ट का अंदाज़ा होगा कि कितनी हाइजेनिक है, कितनी सेफ़ है उनके लिए कंज्यूम करने के लिए। जब तक हम खुद करेंगे तो ये चीज़ें होंगी। इसलिए मेरा इसमें मैसेज यही है कि चूंकि हम पोल्ट्री के ज़रिए एक सेहतमंद पाकिस्तान बना रहे हैं, तो आओ हम सब मिलके इसको कामयाब करें और अपनी तकदीर को खुद से बदलने की कोशिश करें।